हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर। आज की इस क्लास में हम एक नई सीरीज शुरू करने आ रहे हैं जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर। ये सीरीज जो है वो बीए प्रोग्राम, जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है वो स्टूडेंट्स, और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए लाभदायक होगी। हालांकि ये सीरीज़ जो है वो ड्यू के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी और भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी और थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे आईएएस के लिए हो गया या स्टेट पीसीएस के लिए हो गया, तो उसमें भी ये लाभदायक सिद्ध हो सकती है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा लाभदायक आपको सिद्ध नहीं होगी। मेनली ये जो सीरीज़ है वो ड्यू के अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रख के बनाई जा रही है। ठीक है, अब बात करें कि ड्यू के जो अंडर ग्रेजुएट को के अंदर अगर बीए प्रोग्राम की बात करें तो उसमें पॉलिटिकल साइंस का अगर सिलेबस देखा जाए तो उसके कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसमें द नेचर स्कोप मेथड्स एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस के ऊपर है। और अगर ऑनर्स का कोर्स देखा जाए बीए ऑनर्स का पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें भी कुछ इसी तरह के टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के अगर फर्स्ट यूनिट को देखा जाए तो दोनों में ही सेम टॉपिक्स दिए गए, दोनों में कम अंडरस्टैंड करना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को, उसके नेचर को, स्कोप को और मेथड्स को समझना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ऑनर्स में भी यही समझना है। तो इसलिए जो फर्स्ट लेक्चर और या फर्स्ट के जो कुछ लेक्चर होंगे वो दोनों ही कोर्सेज के लिए सिमिलर होंगे, यानी दोनों कोर्सेज के लिए एक ही लेक्चर का लाभदायक सिद्ध होंगे। हालांकि जो आगे के टॉपिक्स हैं उनके लिए अलग से वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए दो प्लेलिस्ट बना दी जाएंगी, एक बनाई जाएगी बीए प्रोग्राम जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, और एक बीए ऑनर्स जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। दोनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिलेगी देखने को, तो आप चाहे तो उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का भी साथ ले सकते हैं। ठीक है, ये पहला लेक्चर है इस सीरीज़ का, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आप तक ये वीडियो पहुँचा रहा हूँ, मेरा नाम है विद्यासागर। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज है एसओएल रिपोर्टर, आप इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, ये vidyasagar.official। ठीक है, अगर आपको कोई सिलेबस से रिलेटेड या कोई पीडीएफ चाहिए, जो अभी मैंने ये सिलेबस दिखाया इसकी पीडीएफ चाहिए, या और भी जो एजुकेशनल वीडियोज़ हम बना रहे हैं इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, या और भी कोई नॉलेज चाहिए, कोई अपडेट्स वगैरह चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने कोर्स वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह से बीकॉम के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं, अगर आप गर्ल हैं तो आपके लिए स्पेशल ग्रुप भी बना रखे हैं, गर्ल्स ओनली ग्रुप। आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके सभी के ग्रुप्स और व्हाट्सएप नंबर, इसके अलावा जो ये टेलीग्राम का जो लिंक है ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर एक बार चेक करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस क्लास में हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ छः चीज़ों पर ध्यान देंगे, छः मुख्य चीज़ों को हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, क्या इसके अंदर हम पढ़ेंगे, क्या इसके अंदर हम जानेंगे, इसके बारे में हम क्या इससे समझेंगे, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा आता है आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें हम जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसका नेचर क्या है, कहाँ से वो शुरू हुआ है और किस तरह से वो डेवलप हुआ, उसका स्कोप क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आएगा चेंजेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि जिस समय कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई उस समय उसमें क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, अब उसमें क्या क्या नए एडवांसमेंट आए हैं, किस तरह से उसमें नए टेक्निक्स का यूज़ किया गया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर मेथड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी के लिए क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं, उसको डेवलप करने के लिए क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि यूज़ ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का यूज़ क्या है, इसको हम पढ़ देंगे, कहाँ अप्लाई होगा, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट और सबसे आखिरी में हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इसे फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह बेसिक्स, बेसिक्स क्या है इसके, अगर आप पॉलिटिक्स साइंस को देखें एज अ होल, पॉलिटिकल साइंस को देखें, तो इसके अंदर तीन मेन ब्रांचेस आपको दिखाई देंगे। एक ब्रांच है इसकी पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरी ब्रांच है इसके इंटरनेशनल रिलेशन, और थर्ड
जो ब्रांच है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो इसके अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जुडिशरी हो गया, इसके लेजिस्लेचर हो गया आपका, सोशल बॉडीज जो होगी, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल थिंकर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे लोहिया हो गए, गांधी हो गए, इंडियन सेंस में वेस्टर्न से भी जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये सब जो होता है आपका पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आता है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो इसके अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे WHO हो गया जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में, इसके लिए इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस हो गया, UN हो गया, इसके अलावा जो और जो बायलेटरल रिलेशंस होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, कंट्रीज़ का जो कोई नई कंट्रीज़ बनती है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर हो गए, वॉर्स हो गए, ये सब जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो सब पढ़ते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, या जो इंटरनेशनल फिनोमिनास हो, ग्लोबलाइजेशन वगैरह हो गया, तो ये सब पढ़ते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट आता है हमारा, वो आता है हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर। अब यहाँ पे आपको देख के लग रहा हो कि पॉलिटिकल थ्योरी और इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये काफ़ी पुराने टॉपिक्स हैं, या कह सकते हैं स्टार्टिंग में जो पॉलिटिकल साइंस में ये टॉपिक रहे होंगे और फिर ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को बाद में ऐड कर दिया गया। लेकिन जो सच्चाई है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। अगर आप देखें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो सबसे पुराना ब्रांच है पॉलिटिक्स के अंदर। ये इतना पुराना है कि अगर आप देखें, अगर आप एरिस्टोटल की बात करें, एरिस्टोटल की बात करें तो उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एक तरह से कह सकते हैं स्टार्ट, उन्होंने इसके ऊपर थ्योरीज बनाना स्टार्ट करा था। एरिस्टोटल ने क्या करा था, 150 से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है इन्होंने स्टडी किया था, जिसके अंदर जो 18 तो थी जो ग्रीक सिटीज़ थी, ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने स्टडी किया था। और फिर उसमें जो अच्छाई होती है, यानी कि इन्होंने आइडियल अप्रोच अपनाई थी, तो उसमें जो आइडियलिज्म के हिसाब से जो इनके लिए बहुत ही अच्छा इनको दिखा, उस पर इन्होंने अपने एडवाइस दी थी। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी पुरानी ब्रांच है, और मैं कहूँगा कि सबसे पुरानी ब्रांच है किसी भी पॉलिटिकल साइंस के सब अलग ब्रांच के मुकाबले। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक्स की जो ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, इसकी एक ब्रांच है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसके मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, अगर इसको इसके नाम से अगर अब इसके मीनिंग को जानने का प्रयास करें, तो कंपैरेटिव का मतलब होता है कि तुलना, और पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति, यानी कि तुलनात्मक राजनीति, यानी कि किसी भी राजनीतिक विषय को तुलना करके देखना। ठीक है, तो इसका मतलब भी कुछ इसी तरह से कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, किसी को भी तुलना करना और विषमता दिखाना, यानी कि उसमें समानताएं देखना तुलना करने बाद, और उसमें विषमताएं दिखाना, किसके लिए, पॉलिटिकल फिनोमिना। अब पॉलिटिकल फिनोमिना क्या है, कोई राजनीतिक घटना है उसकी क्या है, उसको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना, उसकी तुलना करना है और उसकी विषमता दिखाना है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एक तरह से कह सकते हैं मेन इसका काम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। और ये कैसे कर सकते हैं, अक्रॉस टाइम एंड स्पेस कर सकते हैं, तो यही जो है इसका मेन फीचर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अक्रॉस टाइम एंड स्पेस का मतलब, जैसे मान लीजिए हम एक ही चीज़ की स्टडी करते हैं, जैसे मान लीजिए भारत के संविधान की स्टडी करते हैं, या मान लीजिए भारत जो गणराज्य है उसकी, उसमें जो राजनीतिक दल है उसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो हम क्या, हम स्टडी कर सकते हैं कि जो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय से, और आज अगर 2020 की बात करें, 2020 की बात करें, तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या क्या हो गया, अक्रॉस टाइम हो गया, ये हमने अक्रॉस टाइम इसको स्टडी किया, कंपेयर किया। ठीक है, अक्रॉस स्पेस क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए जो UK है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अक्रॉस स्पेस कंपेरिजन हो गया। तो इस तरह से किसी भी पॉलिटिकल फिनोमिना को अगर हम कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हैं, उसकी तुलना करते हैं और उसमें विषमता देखते हैं, तो वो जो होती है वो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाती है। अब जो पॉलिटिकल फिनोमिना मैं कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल फिनोमिना से क्या मतलब है, पॉलिटिकल फिनोमिना में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए कई सारी चीज़ें आती हैं पॉलिटिकल फिनोमिना में। जैसे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, पॉलिटिकल एक्टिविटी जैसे कि मान लीजिए वोटिंग पैटर्न है किसी का, किसी भी कंट्री का वोटिंग पैटर्न है। ठीक है, और भी कई चीज़ें होगी, जैसे कि मान लीजिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है किसी कंट्री का, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये हो गया। इसके अलावा भी कई चीज़ हो गई, जैसे
जो लोअर लेवल पे गवर्नमेंट है, लोअर गवर्नमेंट है, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये सभी चीज़ क्या है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल प्रोसेस हो गया, जैसे मान लीजिए इलेक्शन का प्रोसेस हो गया, ठीक है, कोई लॉ बनाने का प्रोसेस हो गया, लॉ मेकिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है, जुडिशरी के लिए प्रोसेस हो गया। तो ये सभी क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर हो गया। और फिर आता है पॉलिटिकल पावर। तो पॉलिटिकल पावर के अंदर क्या होता है, कोई एक समूह जो है दूसरे समूह पर जो है अपना राज करने की कोशिश करता है, या कोई एक समूह जो है उस देश के अंदर अपने हिसाब से उस देश की डेवलपमेंट को अपने हिसाब से आगे बढ़ाना चाहता है। तो आपको पता है पॉलिटिक्स इज नथिंग बट द गेम ऑफ पावर। तो आप ये इसी समझ समझ सकते हैं, ये भी जो है इसकी स्टडी जो भी है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर हम करते हैं, राइट। अब इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी, तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, कंसाइज एंड सिस्टमैटिक यूज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन का यूज करना टू स्टडी पॉलिटिकल यूनिट्स और केसेस विद द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, एक्सप्लेनिंग डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन देम एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिनोमिना, यानी किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिनोमिना के लिए, किसी विशेष राजनीतिक व्यवस्था के लिए, अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं किस तरह से कंसाइज और सिस्टमेटिक वे में उसकी पॉलिटिकल यूनिट को, केसेस को और पर्पस को, तो ये क्या कहलाता है, हमारा कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। अब जो यहाँ पे यूनिट या केसेस में बात कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, यूनिट या केसेस का क्या हो सकता है, दो कंट्रीज हो सकती हैं, दो या दो से अधिक कंट्रीज हो सकती हैं, कोई रीजन हो सकता है, एक ही कंट्री के अंदर कोई दो रीजन हो सकता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है और केरला को हम कंपेयर कर रहे हैं, दो कंट्रीज मान लीजिए इंडिया और यूएसए को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दो पॉलिटिकल यूनिट्स हो सकती हैं, जैसे इंडिया के अंदर हम जुडिशरी और लेजिस्लेचर को कंपेयर कर रहे हैं, या लेजिस्लेचर भी दो स्टेट गवर्नमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, दो गवर्नमेंट की बॉडीज को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब क्या, अक्रॉस टाइम इन हिस्ट्री, यानी कि पूरे हिस्ट्री में किसी भी टाइम में कंपेयर कर सकते हैं हम, और किसी भी प्लेस से कंपेयर कर सकते हैं हम, ठीक है, किसी भी बॉडी को। तो ये सब क्या आता है, ये सब आता है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। अब आपको अगर ये देख के ये कुछ कई बच्चों को ये लग रहा होगा, ये सब चीज़ें तो हम बाकी से पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, कि कंपैरिजन के लिए कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कनाडा से चीज़ें ली गई हैं, ब्रिटेन से चीज़ें ली गई हैं, यूएसए से ली गई हैं, तो ये सभी भी क्या है, ये सभी भी कंपेरिजन है। लेकिन जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है वो क्या है, इससे डिस्टिंग्विश है, डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर डिसिप्लिन। ये डिस्टिंग्विश कैसे है, ऑल्सो बाय द यूज ऑफ कंपैरेटिव मेथड बाय इट्स स्पेशल सब्जेक्ट मैटर एंड लैंग्वेज एंड पर्सपेक्टिव, यानी पर्सपेक्टिव, स्पेशल सब्जेक्ट मैटर और कंपैरेटिव मेथड्स के जरिए ये इससे अलग है, तो ठीक है। तो इसलिए ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस में कंपैरिजन के लिए बेस्ट है, या ये जो बाकी कंपैरिजन हो रहे हैं अलग सब्जेक्ट में या पॉलिटिकल साइंस के अलग ब्रांचों उससे डिफरेंट है, ओके। अब बात करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर इसका नेचर क्या है और इसका स्कोप क्या है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिनोमेना, किसी भी एक राजनीतिक घटना को समझने और विश्लेषण करने का एक विधि जो है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। लेकिन शुरुआत में ये कुछ इस तरह का नहीं था, शुरुआत में इसमें काफ़ी डिफरेंस था। शुरुआत में ये क्या था, ये जो है सिर्फ फॉरेन कंट्रीज, और फॉरेन कंट्रीज में भी कहें तो हम सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज या कुछ यूरोपियन कंट्रीज तक ये सीमित था। और ये क्या करते थे, उनके जो गवर्नमेंट होती थी या कह सकते हो जो मोस्ट फॉर्मल बॉडीज जो होती थी उसको कंपेयर किया करते थे, ठीक है। तो ये तो काफ़ी इनिशियल स्टेज में यह हुआ करता था कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनको कंपेयर किया, गवर्नमेंट की जो या जो कंट्रीज की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कंपेयर किया, बेसिकली जो फॉर्मल बॉडीज थी उसको कंपेयर किया जाता था स्टार्टिंग के टाइम पे, ठीक है। फिर आगे जाते जाते जो है इसका अप्रोच जो है वो चेंज होगा। अब इसका अप्रोच चेंज होने के लिए आप एक बेस ईयर मान सकते हैं, 1950 का आप बेस ईयर मान सकते हैं, कि जो 1950 है उसके पहले का जो टाइम है उसको आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर उसको आप रख सकते हैं, और जो 1950 के बाद का जो टाइम है उसको आप मॉडर्न अप्रोच के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है। तो देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आप अगर थिंकर्स की बात करें तो बहुत सारे थिंकर्स जो मेन है, और लेकिन इसमें जो सबसे मेन थिंकर्स का नाम आता है वो आता है आपका एरिस्टोटल का नाम, एरिस्टोटल, ठीक है। अब एरिस्टोटल में क्या क्या, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एरिस्टोटल ने 150 से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन लिए, जिसमें से 18 कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे, वो ग्रीक सिटीज के थे, ठीक है। और उन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कंपेयर किया,
लेकिन जो एरिस्टोटल की अप्रोच थी, अगर मैं एरिस्टोटल के अप्रोच की बात करूं तो इनकी अप्रोच क्या थी, बहुत ही ट्रेडिशनल थी, बहुत ही फिलोसफिकल थी। जो इसका स्कोप था वो क्या है, एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ जो इनका रुझान था, ये आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाने की बात कर रहे थे, ठीक है। यानी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो क्या था, काफ़ी नॉर्मेटिव था, बहुत नॉर्मेटिव फिलोसफिकल था, और जो इसका स्कोप था वो भी क्या बहुत लिमिटेड था। जो लीगल चीज़ें थी और जो कॉन्स्टिट्यूशन था भी सिर्फ उसको ये कंपेयर कर रहे थे, और स्टडी के अंदर क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट की फॉर्मल इंस्टीट्यूशन थी उसको ये स्टडी कर रहे थे, ठीक है। अभी मैं आपको एक डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूँ कि जो यहाँ पे जो ये लेक्चर बनाया गया मेनली इंग्लिश जो मैटर है, इंग्लिश मीडियम का जो मैटर है उसको ध्यान में रख के बनाया हुआ है। जो लिखा है मैंने, जो मैटर जो मैंने प्रिपेयर किया वो इंग्लिश में प्रिपेयर किया, फिर उसको गूगल ट्रांसलेटर के जरिए हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के जो छात्र इसको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि एक बार जो ये इसमें जो ट्रांसलेशन है वो आपकी टेक्स्ट बुक ट्रांसलेशन से अलग हो सकती है, ठीक है, कई जगहों पे वो उससे डिफर कर सकती है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में एक बार देखिएगा, या हो सके तो आप एक बार इसको इंग्लिश से एक बार इसको रिलेट करके देखिए, तो आपको समझने में मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ आनी चाहिए, ठीक है। हालांकि आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको गूगल से ट्रांसलेट करके यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है, और मैं बोलने के लिए भी हिंदी भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, हिंदी लैंग्वेज का उपयोग कर रहा हूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको ध्यान से समझ सकें, ठीक है। तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या था, ये बहुत ही नॉर्मेटिव था, बहुत ही एक तरह से आइडियलिस्टिक अप्रोच ये रखता था, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन थिंकर है उसकी बात करें तो एरिस्टोटल जो है यहाँ पे मेन थिंकर जो यहाँ पे आते हैं, ओवरकर यहाँ पे मेन थिंकर जो है आते हैं, ठीक है। अब बात करें कि जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें क्या हो, तो मॉडर्न अप्रोच में बिल्कुल ही पूरा प्रोसेस चेंज हो गया। जो 1950 का टाइम था उसके बाद ये सारी चीज चेंज हो गई, जो प्रोसेस है वो पूरा एनालिटिकल हो गया, इंपेरिकल हो गया, फैक्ट बेस्ड हो गया और साइंटिफिक क्वांटिटेटिव हो गया, और जो इसका स्कोप है वो भी क्या काफ़ी ज़्यादा वाइडन हो गया। स्टडी ऑफ नॉन फॉर्मल नॉन गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल बिहेवियर, इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप, इलेक्शंस, वोटिंग बिहेवियर, पावर एक्सेट्रा, यानी कि लगभग सभी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया, और सभी चीज़ों की स्टडी जो है इसके अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर की जाने लगी, और वो भी किसके बेस पे, एनालिटिकल और एम्पिरिकल फैक्ट बेस और साइंटिफिक मेथड के द्वारा इसकी स्टडी जो है की जाने लगी, ठीक है। तो अप्रोच देख सकते हैं आप, ट्रेडिशनल से आप अगर मॉडर्न की तरफ जाएं तो ये क्या है, ये एक तरफ से जो ये अप्रोच है वो क्या, एक तरफ से जो कह सकते हैं आइडियल स्टेट बनाने की, आइडियलिज्म की तरफ से ये चला गया, एक तरह से एनालिटिकल अप्रोच इन्होंने अपना ली, ठीक है। तो इस तरह से मॉडर्न अप्रोच में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई एक फ्रांस में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो क्या है, वो पुर्तगाल की या मान लीजिए ब्रिटेन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको स्टडी कर रहा है, और उसको हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोल रहे हैं। हालांकि ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स देखा जाए तो ये फ्रांस और ब्रिटेन बिल्कुल पास पास की जगह है, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये जो क्रक्स है, जो मेन मोटिव है, वो इससे फुलफिल नहीं हो रहा था। इसलिए जो ये जो लोग थे, जो ट्रेडिशनल अप्रोच के जो लोग थे, ये क्या फेल कर गए, अपना जो इनका गोल था, यानी कि जो फैक्ट जानने का जो गोल था, या जो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो कह सकते हैं हम ह्यूमन बिहेवियर को जो समझने का जो प्रोसेस था, वो उसके अंदर ये फेल कर गए, ठीक है। क्योंकि ये जो है बिल्कुल यूरोप तक ही सीमित थे, और जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उसी को अध्ययन कर रहे थे, और उसी पे बेस पे अपनी थ्योरीज बना रहे थे। और जब इनकी थ्योरीज ये बाहर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, मान लीजिए अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे ये फेल कर जा रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, देखिए इवॉल्व हुए, ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इवॉल्व हुआ, और यूरोसेंट्रिज्म यानी कि जो यूरोप के अंदर जो केंद्र था उसको इन्होंने हटा दिया, और फिर किसके ऊपर फोकस आ गया, थर्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग नेशंस के ऊपर फोकस आ गया, स्मॉल पॉलिटिकल कम्युनिटी और डाइवर्स पॉलिटिकल फिनोमेनास की यहाँ पे स्टडी की जाने लगी। तो इस तरह से जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे मॉडर्न अप्रोच में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसी के बारे में देखते हैं कि जो चेंजिंग इन पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर किस तरह से इसका मेथड जो है किस तरह से काम करता है। तो देखिए जो मेथड के अंदर जो चेंज आया, जैसे मैंने बात की जो पॉलिटिकल एक ट्रेडिशनल था और एक क्या था, एक मॉडर्न अप्रोच था, तो उसमें अगर देखें तो बेस ईयर जो है 1950। अब 1950 में ऐसा क्या हुआ था, देखिए 1950 के आसपास जो है वर्ल्ड वॉर, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो क्या है लगभग समाप्त हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो तुलनात्मक राजनीति जो है उसने क्या बिहेवियर रिवोल्यूशन देखा, उसके अंदर बहुत ही बड़े रिवोल्यूशन आ गए, और उन सभी रिवोल्यूशन के इन पैरामीटर से हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें चेंजेस हुए।
यूनिट की बात करें तो पहले स्टेट के ऊपर स्टडी की जाती थी, वो चेंज हो गया और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी की जाने लगी। सब्जेक्ट्स को देखें तो पहले फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो आपका ट्रेडिशनल भी था उसमें फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को स्टडी किया जाता था। उसके बाद जो मॉडर्न अप्रोच है उसके अंदर ऑल फैक्टर्स और ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इसको अंदर इंक्लूड कर लिया गया। पहले की बात करें जो, तो उसके अंदर सिर्फ यूके यूएसए जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उसको उसको वहाँ पे अप्रोच किया जाता, उसके ऊपर वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में और भी जो कंट्रीज थी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, और जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज थी और जो डेवलपिंग नेशन थी, ठीक है, उसके ऊपर सारा फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से जो आप कह सकते हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो क्रक्स था वो इसके बाद आया। पहले क्या हो रहा था, जो जैसे मान लीजिए कि आपको डेमोक्रेसीज को स्टडी करना, तो यूके और यूएसए उस टाइम मेन डेमोक्रेसीज थी, इसको स्टडी कर लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको अथॉरिटेरियन स्टेट्स को स्टडी करना, तो स्पेन और पोर्तुगीज यानी पुर्तगाल जो थे वो दो क्या थे, अथॉरिटेरियन स्टेट थे, ठीक है, तो इसको स्टडी कर लिया। अगर ब्रोकन डेमोक्रेसी, क्योंकि उस टाइम जो डेमोक्रेसी थी वो ब्रोक भी हो रही थी, कहाँ कहाँ पे, एक तो हो रही थी आपकी जर्मनी के अंदर और एक हो रहा था आपका इटली के अंदर, तो यहाँ पे क्या ब्रोकन डेमोक्रेसीज थी। अगर ब्रोकन डेमोक्रेसीज को स्टडी करना था तो ये लोग इनको स्टडी कर रहे थे। ये बेसिकली ये मान के चल रहे थे कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक तरह से यूरोप का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसकी तरफ बढ़ेगा, तो बाकी सब स्टडी करने की कोई खास जरूरत है नहीं, तो इनको ये स्टडी कर लेते हैं। लेकिन ये क्या था, इसमें ये फेल हो गए, और जो इनके कॉन्सेप्ट थे, जो इनकी थ्योरीज थे, वो बाकी जगह पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो पाए। तो जो मॉडर्न अप्रोच थी उसके अंदर क्या, जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज और जो डेवलपिंग नेशन है उसके ऊपर फोकस किया गया, ठीक है। वेरिएबल की बात करें तो मैंने आपको बताया ये जो ये था जो पहले था वो वेस्ट सेंट्रिक था और क्वालिटेटिव था। उसके बाद क्या, फैक्चुअलिज्म, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एम्पेरिकल और क्वांटिटेटिव अप्रोच इसमें दिखाई गई। मेथड की बात करें तो पहले जो ये बिल्कुल नरेटिव बेस्ड था, यानी कि एक तरह से आइडियल अप्रोच की क्या होना चाहिए, किस तरह से बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल बेस्ट जो होगा, जो आइडियलिस्टिक अप्रोच थी उसको ये दर्शाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मॉडर्न में क्या होगा, डेटा सेट्स, स्टैटिस्टिक्स और क्वासी एक्सपेरिमेंटल जो अप्रोच थी उसके ऊपर लाया गया, और डेटा बेस सबको किया गया, सभी जो है स्टैटिस्टिक्स के बेस पे सारा जो काम है वो किया जाने लगा। अगर पहले देखें तो डेटा जो था वो कहाँ से आता था, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज से और लीगल टेक्स्ट जो था उससे आता था। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच में जो इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए सर्वे और एग्रीगेट डेटा का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कितना एक तरह से जमीन आसमान का इन दोनों में अंतर देखने को मिलता है। अगर थ्योरी की बात करें तो इसकी थ्योरी नॉर्मेटिव थी, इंस्टीट्यूशनल एलिटिज्म था उसमें, और क्या था, प्लूरलिज्म था, ठीक है। अगर हम मॉडर्न में बात करें तो बिल्कुल ये एम्पेरिकल था, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म था, सिस्टम थ्योरी थी, और न्यू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन था, रिलेशन चॉइस थी इसके अंदर, तो ये बिल्कुल ही इसमें डिफरेंस था, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मेथड्स क्या होते हैं, यानी किस तरह से जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसको हम एक तरह से मेथड में किस तरह से उसको हम स्टार्ट करते हैं, किस तरह से उसको काम में लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्या होता है, चूजिंग एंड डिफाइनिंग द कॉन्सेप्चुअल यूनिट्स। अब कॉन्सेप्चुअल यूनिट्स का मतलब क्या है, जो पॉलिटिकल फिनोमेना मैंने बताया था आपको, तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा पॉलिटिकल फिनोमिना जो है, या फिनोमिनन जो है उसको आप स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे को पॉलिटिकल फिनोमिना, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी करना चाह रहे हैं आप, या आप वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। वोटिंग बिहेवियर जैसे आते हैं एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल, न्यूज़ चैनल दिखाते हैं, वो वोटिंग बिहेवियर है वो, उसको स्टडी करना चाह रहे हैं आप, या आप कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो ये सभी क्या है, पहले आपको चूज करना होगा कि जब किस पॉलिटिकल फिनोमेना को स्टडी करना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या करना होगा, आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होगा। अब ये जो डेटा और इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का पार्ट है, ये सबसे हार्ड पार्ट है इसके अंदर, कि जो बहुत सारी कंट्रीज है उसके अंदर आपको जो रिलायबल डेटा वो मिल नहीं पाता। जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो COVID-19 के सेंस में अगर बात करें तो चाइना जो है, या जो और भी जो कम्युनिस्ट नेशन है, वहाँ से जो रिलायबल डेटा है उसको निकाल पाना कोविड के केस में या और भी किसी केस में बहुत ही क्या मुश्किल प्रोसेस होता है, और ये डेटा जो है ज़्यादातर रिलायबल नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो जो डेटा और इन्फॉर्मेशन को जो गैदर करने का काम है वो भी काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी इसमें टाइम लग सकता है, सालों का भी समय इसमें लग सकता है, ठीक है। और फिर जब ये डेटा गैदर हो जाता है फिर उसको क्या क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं।
अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को देखें, चाहे आप साइंस ले लें या सोशल साइंस ले लें या किसी भी सब्जेक्ट को लेखें, तो ये ह्यूमन बिहेवियर है कि हम किसी भी चीज़ को क्या है क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन में बांटना चाहते हैं। जैसे आप मान ले कि अगर आप एटम्स के बारे में ही पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो क्या उसमें एटम्स को क्या क्लासिफाई करने, या एलिमेंट्स को आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की जाती है, और उसके ऊपर क्या बहुत सारे चीज़ होते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी में देखें तो आप जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको, या देखें उससे पहले भी क्या क्लासिफिकेशन के लिए, यानी क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये क्या ह्यूमन बिहेवियर है ये, ठीक है। और एक तरह से आप कह सकते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर है उसी का सबसेट जो है वो है पॉलिटिकल बिहेवियर, ठीक है। यानी कि जैसा ह्यूमन बिहेवियर होता है उसी तरह से वो पॉलिटिक्स के अंदर भी बिहेव करता है। ह्यूमन बिहेवियर का ही सबसेट एक तरह से आप मान सकते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर को, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं। अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन और कंपैरिजन करते हैं इसका, फिर ये जो इससे जो कंपैरिजन करने के बाद जो डेटा निकलता है उससे हम हाइपोथेसिस लिखते हैं, और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते हैं, और फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसके ऊपर थ्योरी बनाने की का प्रयास करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, कि इसका जनरलाइजेशन करते हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड पे या पूरे जो जिस भी कम्युनिटी पर हम उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, जिस भी रीजन में उसको स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर उसको अप्लाई करके देखते हैं। और फिर हम प्रेडिक्शन करते हैं, यानी कि भविष्यवाणी करते हैं, यानी कि जैसे कि आप इलेक्शंस के टाइम पे देखें जो एग्जिट पोल होते हैं या फिर ओपिनियन पोल होते हैं, जो एग्जिट पोल जो वोटिंग खत्म होने के बाद होती है, और ओपिनियन पोल जो वोटिंग, या कह सकते हैं वोटिंग शुरू होने के पहले होती है, या वोटिंग शुरू होने से भी अगर आप कहें तो जो आचार संहिता लगती है उससे पहले जो होता है वो होता है ओपिनियन पोल, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में ये होता है, पहले ये वोटिंग का देखते हैं कि हमें वोटिंग पैटर्न, आपको पहले वोटिंग पैटर्न ये क्लासिफाई करते हैं, फिर उसमें से डेटा गैदर करते हैं, आपसे पूछते हैं कि किसको पसंद करते हैं आप, कौन से कैंडिडेट को किस बेसिस पे वोट करते हैं, क्या मुद्दे हैं, महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं, पुरुषों के लिए क्या मुद्दे हैं, जो यंगस्टर्स हैं उसके लिए क्या मुद्दे हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं उसके लिए क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों को ध्यान में रख के वो वोट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, वो डेटा को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं और कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर से ये हाइपोथेसिस बनाते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, और फिर प्रिडिक्शन करते हैं कि कौन यहाँ पे जीतने वाला है, किसके जीतने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यही जो है ये सब जो है मेथड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका यूज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो एक यूज तो मैंने अभी जैसे आपको समझाया कि जो डेटा है उससे के लिए हम प्रेडिक्शन करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा ये हमें हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल बिहेवियर, कोई भी पॉलिटिकल व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट, पॉलिटिकल पैटर्न्स और पॉलिटिकल रियलिटी, इन सभी को समझने में, ये वास्तविकता से हमारा सामना करवाने में ये हमारी मदद करता है। इसके अलावा ये इंटीग्रल फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाने में, उसको टेस्ट करने में, और थ्योरी बिल्डिंग में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया इस टॉपिक में, अभी मैंने आपको बताया कि हाइपोथेसिस बनाने में किस तरह से मदद करता है, तो उसी में भी ये हमारी सहायता करता है, ठीक है। इसके अलावा गिव पॉलिटिकल थ्योरीज साइंटिफिक बेसिस एंड रिगर। अब देखिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसके अंदर कोई लेबोरेटरी तो होती नहीं है, कोई लैब तो होती नहीं है जिसके अंदर आपने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद उसको आपको प्रूव प्रूव कर दिया और आपकी जो थ्योरी है वो आपकी मान ली जाएगी। पॉलिटिकल साइंस के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के, पॉलिटिकल साइंस के किसी भी सब पार्ट के अंदर जिस दिन अगर कोई चीज़ जो है वो प्रूव हो जाती है, यानी कि कोई चीज़ अगर 100% सही हो जाती है, तो उसी दिन क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस का एंड हो जाएगा, उस दिन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट बचेगा ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या एनालिसिस और जो डिफरेंसेस है उसकी स्टडी को ही मेन स्टडी माना गया है। तो अगर पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या आपको अगर थ्योरी देनी है तो उसके जो साइंटिफिक बेसिस है वो क्या आपको डेटा बेस लेना पड़ेगा कि किस डेटा के बेस पे आप ये थ्योरी दे रहे हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, उस थ्योरी को साइंटिफिक बेसिस और रिगर यानी कठोरता प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा जो कोई पॉलिटिकल फिनोमिना है या लीगल फ्रेमवर्क है, इसमें रिलेशनशिप और ह्यूमन बिहेवियर समझना है तो उसके लिए यूजफुल है। इसके अलावा अगर आपको डीपन आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डीप करनी है, किसमें ब्रॉडन करनी है, लेवल ऑफ आंसरिंग एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल फिनोमिना में आपको नॉलेज इंक्रीज करनी है, तो इसमें भी ये जो है राजनीतिक समझ को बढ़ाने में या स्तर को व्यापक बनाने में भी हमारी मदद करता है। तो ये सब जो है इसके पॉलिटिकल यूज हैं, ये कहाँ कहाँ पे जो पॉलिटिकल फिनोमिना है वो यूज़ में लिया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक हमारा जो है कि चैलेंजेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है। तो पहले जो दो चैलेंजेस है वो एथनोसेंट्रिज्म और यूरोसेंट्रिज्म, यानी कहने का मतलब कि एथनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है
कि जब आप अपने कल्चर के चश्मे से यानी कि अपने कल्चर की नज़र से दुनिया को जज करने लगते हैं, दुनिया को जो है आप डिसाइड करने लगते हैं कि दुनिया के अंदर क्या कौन सी जो सिस्टम है वो ठीक है, कौन सा सिस्टम गलत है। जब आप अपने कल्चर को एक पक्ष में रखते हुए दूसरे कल्चर को जब आप जज करते हैं तो उसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म, ठीक है। और यूरोसेंट्रिज्म भी उसी से कुछ मिलता जुलता है, यानी कि अगर आप यूरोप को सेंटर में रख के फिर बाकी कंट्रीज़ को उससे कंपेयर करते हैं तो वो भी क्या है उस कंट्री के लिए, उस सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये भी क्या है, यूरोसेंट्रिज्म भी जो है एक तरह से दोनों ही इसके लिए चैलेंज है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। दूसरा चैलेंज तो जो देखें तो इसके अंदर जो कोई भी स्टैंडर्ड और प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है किसी भी इंपॉर्टेंट टर्म या कॉन्सेप्ट की, किसी भी इंपॉर्टेंट परिभाषा के लिए सटीक परिभाषा इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट पर पिछली जगह आपको बताया कि अगर जिस दिन सटीक परिभाषाएं जो है किसी भी चीज़ के लिए आ गई तो पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या, तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। या आप ये नहीं कह सकते कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेस्ट है या ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ख़राब है, ये बिल्कुल अच्छा है ये बिल्कुल ख़राब है। आपको क्या उसमें कंपेयर करना होगा और उसकी थ्योरीज आपको बिल्ड करनी होगी, ठीक है। तो ये भी क्या है इसकी एक चैलेंज है कि इसमें क्या जो प्रिसाइज डेफिनेशन जो हमें नहीं मिलती। इसके अलावा क्या है जो ऑब्टेनिंग डेटा है और जो इन्फॉर्मेशन उसको गैदर करना जो है बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं कहूँगा सबसे जो बड़ा चैलेंज है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सामने वो वही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं या जो अभी के समय कोविड 19 के टाइम पे देखें तो चाइना जैसी कंट्रीज से जो डेटा निकालना है, जो डेटा गैदर करना है वो कितना मुश्किल है। तो ये जो है सबसे बड़ा चैलेंज जो है आज की डेट में मैं कहूँगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सामने है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो क्या है, वो एंटायरली वैल्यू फ्री नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए कोई एक राजनेता है या कोई एक फिलोसोफर है या कोई जो स्टडी को कर रहा है वो क्या है, वो अपनी वैल्यू को इस स्टडी में लाने की कोशिश करता है। या मान लीजिए स्टडी अगर वैल्यू फ्री होगी, डेटा बेस पे हो भी गई, तो जब उसको अप्लाई करने की बारी आती है तो क्या अपनी वैल्यूज़ को वो ऐड कर लेते हैं। जैसे इंडिया में जो नेता हैं या जो जो पॉलिसी को अप्लाई करते हैं वो क्या अपनी वैल्यूज़ को उसमें अप्लाई करने की का कोशिश करते हैं, उसमें क्या एग्जैक्टली डेटा को बेस वहाँ पे नहीं बनाया जाता। तो शुरुआत में वही चैलेंज थे जो पुराने लोग थे वो क्या आइडियलिज्म को लेकर चल रहे थे या फिर जो वैल्यूज़ हैं उसको लेके चल रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हम डेटाबेस पे आए, डेटा के बेस पे हमने थ्योरीज बनाई, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बारी आई तो वो क्या वैल्यू फ्री नहीं रह गया। उसमें भी क्या लोगों ने अपनी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया गया, जो एक्टर है यानी जो कर रहा है और जो ऑब्जर्वर है दोनों ही क्या वैल्यू फ्री वहाँ पे नहीं रह जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक आरोप जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे लगता है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये पॉलिटिकल साइंस का एक ब्रांच है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है, लेकिन इसने क्या है इसने सोशियोलॉजी को भी अपने अंदर ले लिया, इकोनॉमिक्स को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, इसके अलावा हिस्ट्री को भी इंक्लूड कर लिया, ज्योग्राफी को इंक्लूड कर लिया। तो इसने क्या कंपैरिजन के अंदर इसने सारे सब्जेक्ट को एक तरह से अप्रोच कर लिया और क्या इससे कि जो इसकी ओरिजिनैलिटी थी वो क्या डाइल्यूट हो रही है, वो क्या धीरे धीरे एक तरह से खत्म हो रही है जो पॉलिटिकल इसकी अप्रोच थी, ठीक है। यानी कि जो एक्सपेंशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है उसके कारण डाइल्यूट हुआ इसका सब्सटेंस जो था पॉलिटिकल फिनोमिनल्स को स्टडी करना, ठीक है। तो ये जो मेन सारे छह टॉपिक थे मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। इसमें आपकी कोई क्वेरीज है तो आप अपने कमेंट्स जो हैं, अपने क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे तो जो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमारे जो आईडी है उसको भी उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, या जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर द नाउ दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो सेक्शन है इसके लिए हम लगातार वीडियो लाएंगे, कुछ ही दिनों के अंतराल पर या कह सकते हैं एक या दो दिन के अंतराल पर आपको नई वीडियो देखने को मिलेगी। तो आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी SOL के अंदर या DU के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि SOL इग्नू SOL और इग्नू वगैरह एनसी वेब और जो रेगुलर है इन तीनों का सिलेबस क्या है सिमिलर है, एक समान है। तो आपके कोई भी फ्रेंड्स हो तो कोई कई चैनल को सब्सक्राइब करें, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हम जो BA प्रोग्राम और BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है इसका पूरा सिलेबस जो है इस चैनल पर कवर करने वाले हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। फॉर द टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।